हेलो गाइस, कैसा हो? अगर मैं आपसे कहूं कि सीजीएल में एक ऐसी भी पोस्ट है जिसमें रहेगी आपकी ज़िंदगी भर दिल्ली में पोस्टिंग, और इस बार आरटीआई के थ्रू उसमें आया है जब आपकी उनकी हो गई है 3 टाइम्स पोस्ट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। जी हां, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की। इस बार क्या हुआ है कि सीजीएल में 3 टाइम्स पोस्ट हो गई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कितनी है वैकेंसीज इस बार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की, और क्या है इस पोस्ट के पर्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इन डेप्थ में। अब सबसे पहले इस बार मैं आपको बता दूं, पहले प्रीवियस ईयर में क्या था, 300+ वैकेंसीज होती थी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में एएसओ की वैकेंसीज। बट इस बार क्या है, अराउंड है 982 वैकेंसीज जो कि आरटीआई के थ्रू हमें जवाब आया है, और उसमें है कि यूआर की 389 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 105 हैं, ओबीसी की 270, एससी की 145 और एसटी के हैं 73। जी हाँ, ये सब हैं टेंटेटिव वैकेंसीज, वो भी किस में, एएसओ इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, वो भी किसके थ्रू फिल किया जाएगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 में। जी हाँ, आपने सही सुना कि सीजीएल में इस बार 982 वैकेंसीज हैं सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस की। अब ये सब तो हो गया नंबर ऑफ वैकेंसीज, बट एक्चुअल मोटिवेशन आता है उस पोस्ट के पर्क्स से। तो आज की वीडियो में मैं यही सारी मोटिवेशन आपको दूंगा और बताऊंगा कि इस पोस्ट के क्या पर्क्स हैं। सबसे पहले इसका प्रमोशन, हर पोस्ट में प्रमोशन आपका सबसे तेज होना जरूरी होता है, तभी आप अपने कैरियर में हायर लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है आप ज्वाइन करेंगे, तो आप सेक्शन ऑफिसर 7 से 8 साल में मोस्ट प्रोबेबली बन जाएंगे, वो भी एग्ज़ाम पास करना होगा आपको। जी हाँ, एक एग्ज़ाम आता है डिपार्टमेंट का, तो 7 से 8 साल बाद आपको आएगा एग्ज़ाम और आप उसके लिए बैठेंगे। तो अगर आप पास कर गए तो आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, जो कि है 4800 ग्रेड पे की पोस्ट। अब नेक्स्ट 4 ईयर्स ये ऑटोमेटिक होता है आपका, गेस्टेड हो गए आप सेक्शन ऑफिसर 5400 में। जी हाँ, जैसे 4800 बनते हैं उसके 4 साल बाद आप 5400 ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, बट इस वाले 4800 के लिए आपको देना पड़ेगा डिपार्टमेंट पेपर। अब नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी अंडर सेक्रेटरी, फिर होती है डेप्टी सेक्रेटरी, और फिर होते हैं डायरेक्टर, जो कि आप अपने सबसे करियर के लास्ट स्टेज में रिटायरमेंट से 5-6 साल पहले बन पाएंगे। और गाइज, ये जो मैं आपको प्रमोशनल एस्पेक्ट बता रहा हूँ ये एक नॉर्मल कोर्स है, आपको पेपर क्रैक करना होगा, अदरवाइज आपका ये आप डायरेक्टर या फिर डेप्टी सेक्रेटरी नहीं बन पाएंगे। तो ये मत बोलिएगा कि आपने तो कहा था कि हर कोई बन जाएगा, हर कोई नहीं बनता, वो बनता वही है जो डिपार्टमेंट में टाइमली पेपर क्रैक करता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या पर्क्स हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और सबसे बड़ा पर्क है आपका फास्ट प्रमोशन, प्रमोशन का मैंने बता दिया, लाइफ लॉन्ग डेली पोस्टिंग। जी हाँ, डेली में सबसे ज़्यादा पोस्टिंग रहेगी आपकी, आप डेपुटेशन पे तो जाएंगे बट आप वापस आ जाएंगे डेली में, और डेली पोस्टिंग का मतलब है आपका एक स्टेबिलिटी। जिन लोगों का होम टाउन डेली या फिर एनसीआर रीजन है उनके लिए सीएसएस एक मोस्ट चेरिश्ड पोस्ट होती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी भर फैमिली के साथ रहेंगे, और फैमिली मीन्स लव, और लव हमेशा जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। अब इस पोस्ट का थर्ड पर्क होता है जो कि है कि इन्फ्लुएंशियल जॉब। जब आप साउथ ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपका इन्फ्लुएंस ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि क्या है, आपके नेताओं से आपकी मीटिंग्स होंगी, आप अच्छे अच्छे आईपीएस आईएएस ऑफिसर से आपका इंटरेक्शन होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में और अपना एक स्टेट में अपने आप इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। बट हाँ, हमें हर चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो इन्फ्लुएंस मीन्स होता है आपका वर्क प्रेशर भी आप पे बढ़ेगा। तो ये आप एक ये मत सोचिएगा कि एकदम से वर्क प्रेशर नहीं होगा, वर्क प्रेशर भी होगा इस जॉब में। अब नेक्स्ट होता है बेटर फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली। अब क्या होता है, जब हम कोई जॉब परस्यू करते हैं तो हमारा सबसे पहले टारगेट होता है कि हम बेटर फैसिलिटीज़ अपनी फैमिली को दे पाएँ। तो जब आपकी डेली में पोस्टिंग रहेगी ज़िंदगी भर, तो आप अपने फैमिली को बेटर एजुकेशन, बेटर हॉस्पिटैलिटी, अगर आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, ये लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जिन लोगों के माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं वो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा समझ पाएंगे कि अपने पेरेंट्स को सबसे अच्छा हॉस्पिटल में अपना उनका केयर करवाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आप सीएसएस में अगर आप जाते हैं तो आपको ये एक एडिशनल फैक्टर या फिर एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि सीएसएस की वैकेंसीज बढ़ गई हैं, वो भी 3 टाइम्स, कितनी हो गई हैं, 982 300 से होके, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं इन सीएसएस। ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं ऐसी ही हर एक पोस्ट का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा और पर्क्स बताऊंगा हर एक पोस्ट के। ये था आज का वीडियो, थैंक यू।